हेलो दोस्तों, हमारे चैनल प्राउड टू इंडियन में आपका स्वागत है। फाइनली इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट रैली से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ओके, फाइनली इंडियन आर्मी भर्ती 2022 के लिए डेट, जैसा कि जान रहे फॉर्म तो भरा रहा है। ओके, रैली का डेट भी फाइनली जारी कर दिया गया। बताते सेना की तरफ से यह जारी किया गया ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ओके, तो इधर से उधर से कहीं नहीं बात कर रहे। ओके, तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे बिहार के रैली। ओके, बिहार और रांची का रैली। ओके, कहाँ कहाँ होगा, कौन सा डेट है। ओके, एक एक डिटेल आपको इस वीडियो में मिले हो। सबसे पहले है, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को मिले। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, यह पेपर से लिया गया। ओके, तो बिल्कुल वो साफ साफ बताया कि शेड्यूल्ड जारी, औरंगाबाद, नवादा, गया, सिवान और भोजपुर जिले के 7 अक्टूबर से होगी अग्निगुरु की भर्ती। ओके, इस जिलों में बेसिकली 7 अक्टूबर से होगी, लेकिन और अलग अलग जो जिला है, अलग अलग भर्ती बोर्ड है, वहाँ किस तारीख को होगा आपको सारे डिटेल बताएंगे। ओके, यहाँ देख सकते हैं कि सेना में बहाली की अग्निपथ स्कीम के लागू होने के बाद यह पहली बहाली प्रक्रिया हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 2-2.5 साल के बाद ये पहली बार इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। ओके, दानापुर आरओ के दानापुर आरओ रीजनल ऑफिस जोन में 7 अक्टूबर से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी और 23 अक्टूबर तक चलेगी। ओके, राज्य के 7 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के युवा भाग ले सकते हैं इसमें। ओके, गया जोन में अग्निपथ योजना के तहत 2 से 15 नवम्बर तक बहाली चलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग भर्ती बोर्ड केंद्र और तिथि जारी किया गया है। रांची भर्ती बोर्ड जो कि केंद्र रांची है, तिथि 5 से 22 सितंबर 2022 है। सिमिलरली आरओ दानापुर जो कि केंद्र दानापुर ही है, 7 से 23 अक्टूबर तक रैली चलेगा। गया में जिसमें कि अलग अलग जिले आते हैं, बिल्कुल कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, इन जिलों में भर्ती प्रक्रिया 2 से 15 नवम्बर 2022 में होगी। तो ये ठंडे के मौसम में बिल्कुल होगी, काफी मीन्स अच्छा रहेगा कि गर्मी से तो अच्छा ही। भाई मुजफ्फरपुर में देख सकते हैं आप, 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 से होगा। मैं बता रहा हूँ ये भर्ती बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें अलग अलग जिले के आते हैं। ओके, तो आपका कौन सा जिला है वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। कटिहार में जो कि मुजफ्फरपुर केंद्र से ही आता है, जो कि 7 से 20 दिसंबर जो कि लास्ट रैली हो। ओके, बता दें कि आवेदन करने के लिए आपको उम्र 17.5 से मैक्सिमम 23 साल है, जो कि बस इस साल के लिए 23 साल है, अगले बार के लिए 21 साल हो जाएगा। ओके, आप ऑनलाइन आवेदन www.joinindiannavyarmy.nic.in पर तय तिथि में करना है। ओके, जो डेट आपको जारी किया हुआ है उसी की तिथि में करना है। अगर आप डेट मिस कर जाएंगे तो आप आवेदन नहीं कर सकते। ओके, तो बात आपको बता दें कि कौन कौन से आवश्यक प्रमाण पत्र लगेंगे। ओके, सो विच आर द सर्टिफिकेट विच इज इम्पोर्टेंट। बहुत लोगों को डाउट है कौन कौन सा मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ। ओके, इसमें बहुत सारा प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। पहला शैक्षणिक, फिर आवासीय, ओके, फिर जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट, धर्म प्रमाण पत्र, ओके, कुल चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित यानी अनमेरिड रिलेशनशिप का भी इसका आपको बनाना पड़ेगा। NCC सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लेना पड़ेगा। स्पोर्ट्स अगर कोई कैटेगरी से लेना चाहते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और शपथ पत्र जो कि आपको जारी किया जाता है। ओके, बता दूं कि इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे तो आपको इसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी GD के तहत होंगे जो कि सभी आर्म्स है, अग्निवीर टेक्निकल सभी आर्म्स, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर सभी आर्म्स, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वां व 10वीं सभी आर्म्स। ये अलग अलग मीन्स इसका अलग अलग आपको मीन्स बेसिकली डिटेल दिया गया। ओके, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर आपको किसी चीज के बारे में अगर डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, मैंने आपके कमेंट का जवाब देने के लिए बिल्कुल ही उत्सुक रहता हूँ। आपको अगर जानना है कि और अदर स्टेट्स को भी अगर जानना है कि कब कब रैली आ गया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको तुरंत एक नया वीडियो जारी करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।